तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का दिन कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया ये एक बार जरूर बैठकर सोचेगा इसके बारे में। और क्या जिस तरीके से आज का दिन आप लोगों ने यूटिलाइज किया है, ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कल का भी दिन हो? अगर हाँ तो उसको अच्छे से फॉलो करके चलना है, अगर नहीं तो कहाँ पर क्या कमी रहेगी जो आप लोग उसको इंप्रूव करना चाहेंगे, उस चीज में ध्यान रखते हुए अगले दिन में आप लोग को एंट्री करनी है। ओके, तो ये बात देखिए शर्माना नहीं है। अगर आप लोग रेगुलरली लिख रहे हैं तो ये आप लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आएगा। खासकर उनसे पूछे जो रेगुलरली लिख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग रेगुलरली लिख सकते हैं कि कैसा रहा आज का दिन और कितना प्रतिशत आप लोगों ने आज का दिन यूटिलाइज किया और आने वाले दिन में किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। किसी को फर्क नहीं पड़ता यार, तुम दुखी हो या तुम्हारी जिंदगी एक तरीके खुशी में चल रही है, आप लोगों की जिंदगी में टेंशन है या आप लोग इरिटेट हो रहे हैं, इसलिए हमेशा खुश रहो और मस्त रहो। हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पर, अगर आप लोग खुश रहोगे और मस्त रहोगे तो लोगों को जरूर टेंशन हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा कि लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि सामने वाले की जिंदगी में खुशी न रहे, वो इरिटेट रहे, फ्रस्ट्रेट रहे, तो उसकी वजह से उनको एक तरीके से दिल को सुकून मिलता है। ऐसे लोग ना समाज में बहुत घटिया तरीके के लोग आप लोग को देखने को मिलते हैं। हमेशा कोशिश करो, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शरीक होने की कोशिश करो। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करो। किसी को लग रहा है कि यार ये ऐसा क्या हो गया, तो उसकी चीजें सुनने की कोशिश करो, उसको अपने सजेशन बताने की कोशिश करो अगर वो सुनने वाला इंसान है। ऐसे नहीं किसी को जाकर कुछ भी सुनाने लग जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ जो है वो तो प्रोडक्टिव होती हुई नजर आएगी, और जिन लोगों से आप लोग बात करें उनकी लाइफ भी प्रोडक्टिव होगी। अगर उनकी लाइफ प्रोडक्टिव होगी तो आप लोगों के साथ में एक अच्छा ऐसा एनवायरमेंट बनेगा जो कि प्रोडक्टिव लोगों का एनवायरमेंट है, तो इससे इनडायरेक्ट वे में आप लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। चिढ़ने से किसी का भला नहीं हुआ यार आज तक, चिढ़कर करना क्या है किसी से। सामने वाला अगर कोई मेहनत कर रहा है तो ये देखो ना कितनी अच्छी मेहनत कर रहा है, उससे इंस्पायर हो, आप लोग अपना काम करो अच्छे से। तो इस तरीके से कभी भी अपने आप को दूसरे इंसान के साथ में भूल कर भी कंपेयर मत करना, कभी शांति की नींद नहीं ले पाओगे, ठीक है। हमेशा अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो और चाहते हो कि चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहे तो अपना कंपेयर बस अपने साथ में करो, बाकी किसी से नहीं करना इस दुनिया में, क्योंकि कोई आप लोग कंपेयर करने लायक है ही नहीं। पैसा हर एक इंसान की अलग अलग जिंदगी है, अलग तरीके से पैदा हो रहा है, अलग तरीके से दुनिया में आ रहा है, अपने टाइम को यूटिलाइज करने का उसका तरीका अलग है, उसकी हेल्थ अलग तरीके है, आपकी एक तरीके से हेल्थ अलग तरीके है, उसका ब्लड ग्रुप कुछ और है, आप लोग का ब्लड ग्रुप कुछ और है, तो फिर क्यों किसी के साथ में अपने आप को कंपेयर करना है, ये तो बता दो। अपनी जिंदगी को अपने साथ में कंपेयर करो और आप लोग को इंप्रूव करनी है वो। ओके, आई होप कि आप लोग इस बात से अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आओगे और इस बात से सहमत भी होंगे, यस या फिर नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काफी प्यारा आज का डिस्कशन रहने वाला है, शानदार तरीके से बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को देखना है। सबसे पहले एक बार एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज ही लेटेस्ट ताजा ताजा बिल्कुल एक न्यूज आई है जिसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाईकोर्ट है जिसने ये बोला है कि वियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक फेथ। यानी कि अगर कोई इस्लाम के अंदर जो हिजाब पहनता है वो एक एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन का। बहुत डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, ये अभी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही थी तो उसी के बारे में कई सारी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको सुन रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, हमारे देश में जो एमएसएमई क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे छोटे लघु सूक्ष्म उद्योग जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो आज की डेट में कितने हैं? अगर एक डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों को एक मैं मतलब एक ओवरव्यू देता हूं, लगभग 4 करोड़, लगभग 5 करोड़, लगभग 6 करोड़, लगभग 7 करोड़, लगभग 8 करोड़, 5 ऑप्शन है, चलो एक चूज करो, देखता हूं सही आंसर आप में से क्या कौन देता है। तो ये डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तार तुक्का मार मुक्का मार के देख लेना, देखते हैं किसका सही बैठता है, ठीक है। इसके बाद में फिर आर्टिकल तो डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एरिया कौन सा है? दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आता है यहाँ पर एमएसएमई। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो कहां पर काम करते हैं, ये तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। IBEF, ये एस्टेब्लिश किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये GEM एक रिपोर्ट है यहाँ पर, GEM इंडिया रिपोर्ट यहाँ पर, इसके द्वारा बोला गया कि देश के अंदर आज के डेट में टोटल एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटी है यानी कि जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। 2021 में यहाँ पर ये 14.4% बढ़ गई और 2020 में लगभग 5.3% बढ़ गई। तो लोग जो है आज की डेट में अपना खुद का कोई ना कोई काम धंधा स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में एक अलग पैटर्न अभी रिसेंटली देखने को मिला है, ठीक है। तो लग रहा है कि शार्क टैंक इंडिया का प्रभाव जो है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
चलिए जो भी है आप लोग बताइए ऐसा कुछ है या फिर नहीं है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है आज के में। ऐसे कौन से दो देश हैं जो हमसे ऊपर हैं उनका नाम आप लोग को बताना है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं आप लोग को ये बताना है। इसके द्वारा अभी यहां पर बेसिकली एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी लेकर आएगी है जिसमें मेडिकल डिवाइस के बारे में बात की जा रही है। मेडिकल डिवाइस बहुत सारी तरीके की होती है, कौन कौन सी है सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो उसके बारे में बताना है। तो बात ये की जा रही है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मार्केट है आने वाले टाइम में ये 11 बिलियन से 50 बिलियन तक होने वाली है। कब तक होने वाली है? 50 बिलियन तक, जिससे इस मार्केट में काफी कुछ काम किया जा सकता है। देखिए अगर किसी एरिया की मार्केट बढ़ती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो मार्केट जितनी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस होंगे। तो कोई भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बेस पर लोग जो है उसके हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी के बारे में ये बातें बोली जा रही है। तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए इसको लेकर, आखिर क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा बहुत बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा। तो अच्छे से सुनिएगा कंप्लीट लेक्चर को, और लेक्चर देखने के बाद में उसको थम्स अप दे सकते हैं आप लोग अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है। अगर पसंद नहीं आता तो थम्स डाउन आप लोग कर सकते हैं, इनके डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा फीडबैक। और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएगा कि वीडियो के एंड में कि लेक्चर आप लोग कैसा लगा। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के, आगे बढ़ेंगे एक इंपोर्टेंट डे के साथ में। बहुत इंपोर्टेंट डे है खासकर कोविड-19 जब से यहां पर दुनिया में अपना असर छोड़ रहा है, तो ऐसा डे जो है वो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। और हमारे देश का डे है तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये जो डे है ये 16th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। डे का नाम है नेशनल वैक्सीनेशन डे। एक छोटा सा डिफरेंस आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो वैक्सीन होती है और जो मेडिसिन होती है उसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि आज की डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि जो वैक्सीन है और जो मेडिसिन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो वैक्सीन जो होती है हमेशा बीमारी से पहले लगाई जाती है, यानी कि प्रिवेंशन का काम करती है, बीमारी न हो आप लोगों को उससे आप लोगों को बचाती है। मेडिसिन जो होती है यानी कि दवाइयां, वो आप लोगों को दी जाती है बीमारी के बाद में, यानी कि बीमारी जो हो चुकी है तो इलाज करने का काम करती है, यानी कि क्योर करने का काम करती है। तो आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अपनी बीमारी को होने से पहले आप लोग क्या करो, बीमारी से अपने आप को बचा लो, ठीक है। अपनी बीमारी मतलब हमारी बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी होने से पहले अपने आप को बचा लो, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो एक अच्छा तरीका माना जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी कोविड-19 की वैक्सीनेशन के दोनों डोज आप लोगों ने लगवाए होंगे, यस या फिर नो, हाँ या नहीं, हाँ बिल्कुल सही, तो बिल्कुल लगवाने भी है, ठीक है, तो ये जरूरी है। तो इसके चलते एक तरीके से आप लोगों की बॉडी में कोई भी अगर कल को चलकर वायरस आता है तो उसकी उसके लड़ने के लिए आप लोगों की बॉडी तैयार है। तो ये इम्यूनाइजेशन का काम ही होता है कि आप लोगों की बॉडी को उस लेवल पर दुरुस्त रखे। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन जो डे है जिसको IMD आप लोग बोलते हैं वो यहां पर बेसिकली आप लोगों के लिए देखने को मिलता है। इसको ये नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे। और वैक्सीन का काम क्या होता है, इम्यूनिटी को डेवलप करने का, तो इसलिए यहां पर इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर IMD होगा बेसिकली, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर। तो यहां पर आप लोग इसको देखिए तो इस नाम से भी यहां पर आप लोग इसको पुकारते हैं। तो इसका एम क्या है, एम है यहां पर कि आप लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इंपोर्टेंस समझाने की कोशिश की जाती है वैक्सीनेशन की। थीम क्या है यहां पर, थीम है यहां पर इसकी बेसिकली वैक्सीन फॉर ऑल, यानी कि सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए क्योंकि तभी तो आप लोगों की बॉडी जो है वो इम्यूनिटी के साथ में आगे बढ़ेगी और बीमारी के साथ में लड़ने की क्षमता रखेगी। तो ये इसलिए है ताकि आप लोग इसको लाइफ में अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अच्छा, हेल्थ जो होता है संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे 7वें शेड्यूल में, हेल्थ को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, संविधान की 3 लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र की सूची, एक है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, एक है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो इनमें से कौन सी लिस्ट के अंदर हेल्थ को रखा गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग जरूर याद रखिएगा। कईयों बार आप लोगों को बता चुका हूं, रिविजन हो जाएगा, अच्छे से आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो न्यूज है रिपीटेडली आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल रही है और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है और बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी अभी क्रिएट हो गई थी। हुआ क्या था, कर्नाटका के अंदर यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया था जहां पर जो मुस्लिम वुमेन थी उनको क्या किया गया, मुस्लिम बेसिकली लड़कियां थी, वुमेन तो नहीं बोलेंगे, लड़कियां थी, उनको बेसिकली पुलिस के अंदर हिजाब पहनने से मना कर दिया, ठीक है। तो कर्नाटका आप लोगों को यहां पर एक राज्य देखने को मिलेगा जो कि अरेबियन सी के साथ में कनेक्ट करते हैं, यहां पर गोवा टच करते हैं, ऊपर महाराष्ट्र, साइड में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु और केरला, तो टोटल मिलाकर 6 राज्य टच करते हैं। बेंगलुरु इसकी कैपिटल होगी। इस राज्य के अंदर में काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई जिसने सारे देश को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये आर्टिकल काफी अच्छे से यहां पर कवर किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। बोला क्या गया अभी यहां पर, ये बोला गया था कि जो हिजाब होता है यानी कि जो सर को और मुंह को कवर करने वाला जो कपड़ा मुस्लिम वुमेन के द्वारा या लड़कियों के द्वारा पहना जाता है
वो जो कॉलेज वगैरह है या फिर स्कूल वगैरह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह है, वहां पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आखिर क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट का इसेंशियल पार्ट नहीं है जो हम लोग राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू रिलीजन जो है वो फंडामेंटल राइट है, जी हाँ, कहां पर है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पर अभी यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया, जिनका नाम है चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इनके द्वारा यहां पर साफ साफ बोला गया कि गवर्नमेंट के द्वारा 5 फरवरी को जो बैन किया गया था हिजाब अक्रॉस द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर्नाटक के अंदर में, तो वो सही ठहराया गया इनके द्वारा। तो यहां पर वियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इनके द्वारा ये बात बोली गई कि हिजाब जो पहनना वो एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम के अंदर में, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। और इसी के साथ में इनके द्वारा ये भी बोला गया कि आज की डेट में अगर आप लोग चाहे तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एक फंडामेंटल राइट के ऊपर, जिसको आप लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि यहां पर एक कंट्रोवर्सी ये होगी, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग एक किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, और यहां पर एक साइड में तो आप हो गए, ठीक है, एक साइड में आप लोग का जो है कोई कॉलेज हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके फंडामेंटल राइट है संविधान में, पार्ट थर्ड में दे रखे हैं सारे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो इन फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू रिलीजन के बारे में। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहां पर ये अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये बनता है कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट हो गए, यानी कि आप लोगों के मौलिक अधिकार हो गए। पर लेकिन इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भी यहां पर अधिकार है, यानी कि यहां पर अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल या फिर किन्नर समुदाय के बच्चे भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहां पर अगर दोनों के अधिकार के बारे में बात करें तो यहां पर ज्यादा पावर जो दिए गए वो यहां पर इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज के अधिकार को दिया गया है। यानी कि अगर एक इंसान है जो कि यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, एक इंसान है हिंदू कम्युनिटी से आता है, और एक इंसान किसी दूसरी कम्युनिटी से आता है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग है, पर लेकिन जब भी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में आएंगे, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है पहनावे की उसको साइड में रखे, ठीक है। क्यों? खासकर उसके बारे में बात की जा रही है जो एक रिलीजन का पार्ट नहीं है। अगर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो रिलीजन का पार्ट है तो फिर यहां पर वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, बेसिकली कॉलेज ए स्कूल के अंदर भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे सिख कम्युनिटी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 5K जो है वो सिखिज्म का पार्ट यहां पर बताए गए हैं, जिसमें केस यानी कि आप लोग बाल जो है वो बड़े रख सकते हैं, इनको संवारने के लिए आप लोग एक कंघा रख सकते हैं, इसी के साथ में एक कड़ा यानी कि जो कड़ा आप लोग हाथ में पहनते हैं वो यूज कर सकते हैं, इसी के साथ में कछेरा यानी कि जो ये हाफ निकर होता है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में कृपान। ये पांचों की पांचों जो पार्ट है यहां पर ये सिख कम्युनिटी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का। तो इसके चलते जब ये इसेंशियल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का, तो अगर कोई पगड़ी पहनकर जाता है यहां पर आज के में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो उसको अलाउ किया जाएगा। तो ये बातें यहां पर बोली गई है कि यहां पर अगर इसेंशियल पार्ट है ये आप लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिस का तो अलाउ किया जाएगा, वरना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि ये इसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस का इस्लाम के अंदर में, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जाता है, और बैन रहेगा जो 5 फरवरी को डिसीजन दिया गया था वो कंटिन्यू यहां पर रहेगा। तो ये बातें बोली गई है। मुद्दा कहां से उठा था? मुद्दा उठा था कर्नाटका का उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जब हिजाब पहनने से लड़कियों को मना कर दिया गया था, उसके चलते यहां पर ये इशू जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गया था, और उस टाइम पर बोला ये गया था कि हिजाब पहनना जो है वो हमारा अधिकार है। तो अधिकार के बारे में यहां पर ये बेसिकली विवाद होना स्टार्ट हो गया था। विवाद कहां से उठा यहां पर? ये बोला गया कि आर्टिकल 25 यानी कि आर्टिकल इनके अनुच्छेद 25वां जो हमारे संविधान में वो बात करता है किसके बारे में, ये बेसिकली आप लोग अपना अधिकार यूज कर सकते हैं अपने रिलीजन के बारे में, प्रोफेस प्रैक्टिस और प्रोपोगेट यानी कि स्वीकार कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, जो आप लोगों का रिलीजन है उसको कोई नहीं आप लोगों को रोकेगा। तो यहां पर ये बोले थे कि हिजाब जो है यूज करना वो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है, हम लोग को उसको यूज करने से कोई नहीं रोक सकता। पर लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कंडीशन बनती है जिसके बेस पर आप लोगों को रोका जा सकता है अगर किसी चीज के साथ में इसको कंपेयर किया जाए तो। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है वो आप लोगों के ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक तरीके से कि कोई उनको हटा नहीं सकता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट जो है कंपेयर किए जाएंगे समाज के, यानी कि आप लोगों की हरकतें जो है एक समाज के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रही है, तो समाज के फंडामेंटल राइट वहां पर सामने आ जाएंगे। तो इसलिए इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को साथ में रख दिया जाता है। जैसे ग्राउंड क्या हो सकता है? पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, कोई है बंदूक लेकर घूम रहा है, किसी को भी गोली मार रहा है, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, किसी को भी गाली दे रहा है, किसी के भी ऊपर डंडे बरसा रहा है, तो ये उसका अधिकार जो है वो आपे से बाहर हो चुका है, उस इंसान को पागल खाने भेज देना चाहिए अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये बेसिकली ऐसे इंसान को रोकना है, समाज का एक तरीके से गलत इंपैक्ट डालेगा ऐसे इंसान।
डिसेंसी अगर कोई शालीनता को खराब करेगा, मोरलिटी यानी कोई नैतिकता को खराब करेगा, किसी की हेल्थ या फिर स्टेट के इंटरेस्ट पर अगर कोई इंपैक्ट डालेगा, तो ऐसे इंसान को जो है वो यहां पर उसके अधिकार जो है साइड में रख दिए जाएंगे, यानी कि उसके अधिकारों को यहां पर अधिकार न मानते हुए एक ऐसा माना जाएगा कि इंसान जो है ये इलीगल तत्व सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते यहां पर इसको साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आज तक अगर बात करें यहां पर पहले किसी हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ऐसी बातें बोली गई है? जी हां बिल्कुल बोली गई है, और कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है यहां पर कोर्ट को इसको लेकर। जैसे यहां पर अगर बात करें तो ये बोला गया था कि जो आजकल में तांडव जो डांस होता है ये पब्लिक में करना अलाउ नहीं है, तो इसको क्या बोला गया, इसको ये बोला गया कि क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस का एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो नोट कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, तो इसने यहां पर इसको पब्लिकली तांडव डांस जो है वो दिखाने से यहां पर मना कर दिया गया। कई सारे स्कॉलर जो है वो हालांकि क्रिटिसाइज करते हैं कि कभी कुछ अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं कभी कुछ, पर लेकिन रियलिटी यहां पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रॉपर तथ्यों पर ध्यान देता है और उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। ऐसा ही एक डिसीजन जो था यहां पर ये एयरफोर्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये आर्म फोर्स रेगुलेशन है 1964 के, उसके हिसाब से जो आर्म फोर्स एयरफोर्स के अंदर में दाढ़ी वगैरह रखना जो है वो बेसिकली अलाउ नहीं किया जाता है, तो उसके चलते यहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो पर्सन थे उनके द्वारा बोला गया कि वो रखेंगे, पर लेकिन जब केस पहुंचा कोर्ट के अंदर में तो यहां पर फिर क्या किया गया कि जो पर्टिकुलर फोर्स के अंदर में रूल और रेगुलेशन है उनको चेंज नहीं किया जा सकता एक इंडिविजुअल के लिए, तो इसलिए यहां पर जो फोर्स के जो रूल और रेगुलेशन है उसको मेंटेन रखा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर ये डिसीजन सुनाया गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर। जबकि सिख कम्युनिटी के अंदर वो पार्ट है बेसिकली, जैसा मैंने बताया यहां पर इसको यूज किया जा सकता है, पर लेकिन यहां पर आप लोग यूज नहीं कर सकते, तो अलग अलग बेस पर यहां पर रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से उसको अलाउ किया जाता है या फिर डिस अलाउ यहां पर किया जाता है, यानी कि आप लोगों को यहां पर रखना है या फिर नहीं रखना है उस तरीके से देखने को मिलेगा। कैसे पहले भी और भी केस कहीं पर पहुंचे हैं? जी हाँ, केरला के अंदर जब यहां पर केस पहुंचे यहां पर जिसको बोलते हैं अमनबीत बसीर वर्सेस ये सीबीएसई का केस था यहां पर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो केस था इसमें भी सीबीएसई के अधिकारों को यहां पर पावर दे दी गई थी कि हाँ आप लोग अपने हिसाब से अपने अधिकारों को यूज कर सकते हैं, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं इसमें भी प्रिफरेंस दिया गया था, एसेंशियल प्रैक्टिस हालांकि माना गया था इसमें, पर लेकिन प्रिफरेंस दे दिया गया था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अधिकार है। केरला हाई कोर्ट के अंदर में यहां पर यह फातिमा तासनीम ठीक है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस, इसमें भी बोला गया यहां पर कि कोर्ट के द्वारा कुड नॉट टेल द स्कूल टू अलाउ द मुस्लिम गर्ल टू वियर हिजाब, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो वियरिंग हिजाब है, बट कंक्लूड ये किया गया कि इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो साइड में रख दिया जाएगा जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है ये किसी इंसिल पार्ट आप लोग इसको मान रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अधिकार जो है वो ऊपर रहेंगे, ना कि इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पर्सन के अधिकार, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने हिसाब से वहां पर काम नहीं कर सकता है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, और कल को चलकर इन केसेस के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट केस भी मैंने आप लोगों को यहां पर दो केस बता दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सिख कम्युनिटी का उदाहरण भी आप लोग लेकर यहां पर बातें कर सकते हैं, और इसी के साथ में ये फंडामेंटल राइट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट टू रिलीजन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन होगा, अगर हो तो बताना फिर उसको दूर किया जाएगा, सारी बातें एक एक करके मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, फीडबैक जरूर देना कि लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को, थम्सअप देकर आप लोग बता सकते हैं, और नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, जैसा आप लोगों को लगता है, फीडबैक देने का बेसिकली काम आप लोगों का है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। यहाँ पे समझेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर डिटेल में आप लोगों से बातें करने वाला हूं इसके बारे में, क्या क्या बातें एक एक कर समझेंगे, कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, यानी कि कई सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंस किया गया डिस्ट्रेस एसेट फंड, यानी कि एक तरीके से कोई एसेट्स जो डिस्ट्रेस में है उसके लिए फंड सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बच्चा ऐसा है जिसकी हेल्थ जो है काफी खराब हो चुकी है, पर लेकिन घर में पैसे नहीं है उसका इलाज कराया जा सके, तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट फंड बना दे कि कोई ऐसा बच्चा अगर आता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबोर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस एमएसएमई, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसके लिए यहां पर एक तरीका यह सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। 13 मई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत में, इनके देश के अंदर में अगर कोई एमएसएमई है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि कोई लघु छोटे या फिर सूक्ष्म उद्योग वाली कैटेगरी में कोई अगर यहां पर काम धंधा आता है तो उसके लिए यहां पर 20,000 करोड़ रुपए बोला गया था और इसको मार्च 31 तक जो है उसको यहां पर इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया, तो अभी यहां पर इसको मार्च 31 तक जो है बढ़ाया गया 2023 तक का, ये याद रखिएगा। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या मुद्दा बन गया कि यहां पर इसको इतना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है,
कि एक साल पूरा बढ़ा दिया, यहाँ पर 2023 तक का बढ़ा दिया, अभी मार्च के महीने में बैठे हैं ना, तो 2023 मार्च तक का बढ़ा दिया, आखिर क्यों, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे, तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो स्कीम है ये अप्रूव की गई गवर्नमेंट के द्वारा 1 जून 2020 में, आत्मनिर्भर भारत एक स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर लाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। अगर कोई यहाँ पर ऐसा एमएसएमई है जिसकी खस्ता हालत होने वाली है, डूबने वाला है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एमएसएमई समझा देता हूं, जिसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे इनको डिवाइड किया जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। वैसे सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देता हूं, जिसके चलते अरे हाँ एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर रैंक जो होती है वो यहाँ पर कैसे डिसाइड करती है, बेसिकली किसी को कौन सा कैडर मिला है और कौन कौन से क्राइटेरिया है कि कैडर आप लोगों का डिसाइड करें, तो ये वीडियो में डिटेल में सारी बातें मैंने बताई है। इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली एसएलवीपीडिया के बारे में, एसएलवीपीडिया पर भी मैं वहां पर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, तो यहां पर आप लोग देखते हैं, इनको आप लोग अपने पास में रख सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है फायदा पहुंचाए गए, तो यहां पर मैं कई सारी चीजें डालता रहता हूं, ठीक है, कई सारी चीजें यहां पर, जैसे ये भी मैंने यहां पर डाल दिया था, इसी के साथ में ये कुछ नोट्स आप लोगों को यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो उनको आप लोग फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, माइक्रो यानी कि बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले माइक्रो इनको सबसे छोटा है, यहां पर अगर कोई 1 करोड़ रुपए का यहां पर इक्विपमेंट वगैरह खरीद रहा है और उसका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ जा रहा है, तो इसको आप लोग माइक्रो बोलोगे, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करेंगे, इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 करोड़ हो गया और ये 50 करोड़ हो गया, तो यानी कि 10 करोड़ का कोई अगर खर्चा कर रहा है और 50 करोड़ यहां पर उसका टर्नओवर हो रहा है, तो इसको स्मॉल की कैटेगरी में करेंगे। अब यहां पर आप लोग 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 50 हो गया, और यहां पर 5 का करोड़ कर दो, 5 का कर दो, तो ये यहां पर 250 करोड़ हो गया, तो ये आप लोग का मीडियम की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और 250 करोड़ रुपए अगर यहां पर कोई टर्नओवर लेकर चल रहा है, तो इसको यहां पर इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इनके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो यहां पर 1 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इसका खर्चा या फिर टर्नओवर दोनों को अगर कंबाइन कर आप लोग चलते हो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में आते हैं। ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना बोलूं, बस आप लोग समझोगे जब मैं आप लोगों को डेटा बताऊंगा, उसके बेस पर आप लोग एक अंदाजा लगा पाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर आज की डेट में। समझने के लिए डेटा पर नजर डालो, आज की डेट में हमारी कंट्री में छोटे छोटे लघु उद्योग जो है वो लगभग 6.3 करोड़ है, इनके इतने सारे हमारी कंट्री में लघु उद्योग कर रहे हैं, कोई घर पे अपना काम कर रहा है, कोई इधर उधर जिसको जो भी लगता है, इतने सारे काम कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज खुद बोल रही है, यानी कि मंत्रालय खुद बोल रहा है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। तो इतने सारे लोग अगर कहीं पर किसी पर्टिकुलर धंधे काम धंधे को जोड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, अगर कल को उनका धंधा जो है वो ठप पड़ जाता है, तो ये सोचो कि कितने सारे लोग जो है उस अगर धंधे के साथ में कनेक्ट है, उनका एक तरीके से रोजगार चला जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, उनका धंधा तो बैठेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी बैठेगी अगर इतने सारे लोग जो है उनका काम जो है छूट जाएगा। तो इसके चलते ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। अगर बात करें कंट्री में एग्रीकल्चर के बारे में, आप लोगों को पता होगा हमारे देश में 50% के करीब जो पॉपुलेशन है आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इससे ज्यादा है, इससे कम नहीं है। बाकी दूसरे नंबर पर अगर सबसे बड़ा कोई सेक्टर है तो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो इसको आप लोग मत भूलिएगा, ये काफी बड़ा सेक्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और ये अभी इतना ज्यादा दिक्कत में आ गया कोविड-19 के चलते कि इस सेक्टर की जो है वो कमर टूट गई थी, यानी कि इस सेक्टर को बोला गया कि यार इसको उभारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसकी खस्ता हालत हो चुकी है। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते ये सारे काम धंधे बंद होने लगे थे, तो उसी टाइम पर लगा कि कोई स्कीम लेकर यहां पर आनी चाहिए। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबोर्डिनेट जो डेट यहां पर लेकर आएगी, जिसके चलते यहां पर आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जो जो भी इस काम धंधे को यहां पर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रेस एसेट फंड के बारे में यहां पर बात की गई है। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को यहां पर बताऊंगा जो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कब से लेके कब तक इसको एक्सटेंड किया गया। तो यहां पर मार्च 2021 में यहां पर जो चीजें सेटअप की गई थी, अब इसको 31 मार्च 2022 से आगे बढ़ा दिया गया 2023 तक का। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, इसमें कई सारे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे SMA2 या NPA जो होगा उसको इलिजिबल माना गया है और RBI की गाइडलाइन के हिसाब से यहां पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि यार ये SMA2 क्या है, NPA क्या है, रुकिए एक मिनट के लिए, अभी एक एक बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनका नाम था निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो यहां पर लाई गई और उसको भी एक्सटेंड यहां पर किया गया बेसिकली 2023 तक का। अब यहां पर ये किस किस को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा वो आप लोगों को बताऊंगा, पर लेकिन ये SMA2 या फिर NPA क्या है उसको आप लोग समझिए। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लगातार कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए चक्षु खोलकर सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं बैंक के पास में, हम लोग जाते हैं पैसा लेने, तो बैंक हम लोग को पैसा दे देता है, ये पैसा जो है हम लोग बिजनेस वगैरह में लगा देते हैं
और वहां से पैसा कमाते हैं और फिर बैंक का पैसा जो है हम लोग रिटर्न कर देते हैं। पर लेकिन बैंक के पास से पैसा कहां से आता है, वहां भी तो हम लोग अपना पैसा रखते हैं, यानी कुछ कस्टमर अपना पैसा रखते हैं सेविंग के लिए और फिर यहां पर बैंक जो होता है उसको यूज करता है किसी को उधार देने के लिए और उसी से बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कमाता है और उसी से इंटरेस्ट रेट कमाकर हमको भी इंटरेस्ट रेट देता है। तो ये पूरा बैंकिंग अर्थव्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन बैंक जो पैसा देता है बिजनेस करने के लिए वो फ्री में नहीं देता है। अगर कल को चलकर आप लोग गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी के कागजात बैंक रख लेगा, कल को चलकर घर खरीदोगे तो घर के कागजात बैंक रख लेगा। तो यानी कि वो एक तरीके से आप लोगों को फ्री में पैसा नहीं दे रहे। अगर कुछ भी आप लोग यहां से लेकर आ रहे हैं तो उसके चलते वो कुछ चीजें गिरवी रख रहा है। तो ये जो गिरवी रखा हुआ सामान क्यों रखा जाता है, कल को चलकर अगर भाग जाए इंसान तो कम से कम पैसा वसूल किया जा सके जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा लिया गया था। तो यहां पर आप लोग समझिएगा अब मुद्दे को कि बेसिक मुद्दा क्या है। आप लोग यहां पर जब बोलते हैं एसेट्स के बारे में, यहां पर इनके पैसे के बारे में, तो उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो स्टैंडर्ड एसेट्स और एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। डिफरेंस क्या है कि कर देखेंगे। नॉर्मली अगर इंसान ने लोन ले रखा है और उसकी किस्त जाती है हर महीने किस्त फिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे अपनी किस्त दे रहा है, आराम से जिंदगी चल रही है मस्त बिंदास तरीके से, बैंक वालों को भी कोई टेंशन नहीं है, उनको अपना पैसा वापस मिल रहा है इंटरेस्ट का और उनको लग रहा है कि जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, ऐसे ही चलता रहेगा। पर लेकिन हर टाइम सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, कभी कोरोना कभी मोरोना और कभी टोरोना आएगा, उस टाइम पर लोगों के बिजनेस बर्बाद होंगे और वो अपनी किस्त जो है वो नहीं भर पाएंगे। तो अगर कोई इंसान जो है वो अपनी किस्त नहीं भर पाता है तो यहां पर उसको फिर यहां पर अगर एक से लेकर 90 दिनों तक वो किस्त नहीं भर पा रहा है तो उसको स्ट्रेस एसिड के अंदर हम लोग डाल देते हैं, यानी कि एक से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर। पर लेकिन इनको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। बोला गया है यहां पर स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, इसका मतलब हो गया कि एक से लेकर 30 दिन यानी कि पहले महीने वो अपनी किस्त नहीं दे पाया। स्पेशल मेंशन अकाउंट वन होगा यानी कि 31 से लेकर 60 यानी कि दूसरे महीने अपनी किस्त नहीं दे पाया। स्पेशल मेंशन अकाउंट तीसरा यहां पर दो, ये होगा 61 से लेके 90 इनके तीसरे महीने भी अपनी किस्त जो है वो नहीं भर पाया। जब ये वाली कैटेगरी में आ जाएगा पर्सन तो फिर यहां पर इससे एक दिन आगे भी अगर बढ़ता है अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो है नॉन परफॉर्मिंग हो गया, यानी कि तीन महीने से उसने अपनी कोई भी किस्त जो है वो पे नहीं किए, तो इसके चलते ये लग रहा है कि ये जो है पैसा डूबने वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर सब स्टैंडर्ड एसेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि अगर एनपीए जो है वो अप टू द 12th मंथ हो जाए, यानी कि अभी मैंने 3 महीने का बोला यहां पर, अभी अगर 12 महीने का हो जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी कि एनपीए में भी अब लग रहा है कि ये यहां से रिकवर होने के चांसेस काफी कम हो जा रहे हैं। अगर यहां पर ये एनपीए जो है ये यहां पर अप टू द 12 मंथ, ठीक है, तो यहां पर एनपीए 4 अगर बात करें पूरा 12 मंथ या फिर इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर इसको बोलने लगेंगे कि भाई साहब ये डाउटफुल हो गया है, और फिर बोलते हैं इसके बाद में भी अगर टाइम हो जाए तो भाई साहब ये लॉस हो चुका है, यानी कि अब ये पैसा हम लोग को नहीं मिलने वाला है, ये एक तरीके से हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है। तो बैंक जब यहां पर ये मुद्दा पूरा हो जाता है कि पैसा अब चला गया, तब यहां पर बैंक जो है वो क्या करता है, अब यहां से पैसे को रिकवर करने की कोशिश करता है, और ये जो रिकवरी की जाती है ये बैड बैंक इसके लिए बना रखे हैं कि पैसा रिकवर किया जाए। तो ये वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जो होता है ये एक अकाउंट है जो कि यहां पर एक तरीके से साइन दिखाता है कि स्ट्रेस रिजल्ट आ रहे हैं आप लोगों का जो अभी एनपीए नहीं हुआ है, पर हां एनपीए होने की तरफ को बढ़ रहा है। तो ये स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ गया कि अभी एनपीए नहीं हुआ है, इसको संभाला जा सकता है, तो इसलिए बोला गया कि स्पेशल मेंशन अकाउंट और एनपीए वाले अकाउंट को भी एलिजिबल रखा गया, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो फिलहाल एनपीए बन गए, कोविड-19 के चलते उनका काम धंधा चला नहीं और उनकी खस्ता हालत हो गई। तो बोला यह गया कि कम से कम इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि इनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सही चलती रहे और काम धंधा भी इनका आगे बढ़ता रहे। तो उसी के चलते ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, अगर डाउट लेकर भी जाओगे तो फिर लेक्चर देखने का क्या फायदा, लेक्चर देखने का मतलब यही होता है ना कि एक एक क्रिस्टल क्लियर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए यहां पर जो प्रमोटर ऑफ द ऑपरेशनल जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, उनको यहां पर स्ट्रेस एसेट जो है वो एक तरीके से एनपीए ना बन जाए, तो उसके ध्यान में रखते हुए यहां पर कोशिश की गई कि 30 अप्रैल 2020 तक का डेटा यहां पर कवर किया जाएगा और इसके चलते 20,000 करोड़ रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे अलग अलग लेवल पर उनके हिसाब से, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है यहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट किया जा सके। कल को अगर मान लीजिए कोई एक बिजनेस वाला है वो 10 लोगों को काम दे रहा है, अब वो बिजनेस डूब गया तो 10 लोग बेरोजगार हो गए, तो ये 10 लोगों को अगर काम आप लोगों को देते रहना है, मेंटेन रखना है, तो थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, हाथ लगा दो यार थोड़ा सा, काम उसकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कई सारी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर, जैसे एक इंपोर्टेंट जो यहां पर ट्रस्ट है इसको बोला गया इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रमोट करता है क्रेडिट इंटरनेशनल अवेयरनेस, मेक इन इंडिया लेबल लगाकर, ताकि अच्छे लेवल पर चीजों को ले जाया जा सके और जो भी नॉलेज होती है प्रोडक्ट और सर्विस उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
ये जो है बेसिकली एक तरीका यहाँ पर स्टेक होल्डर है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए। उन्हें कहते हैं जैसे आज के डेट में आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया उस पे लिखा जाएगा मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाया गया है। मतलब आज के डेट में आप लोग कोई अचार बनाकर बेच रहे हैं तो ये नहीं बोलेंगे कि ये लल्लू लाल का अचार है, ठीक है, उसमें ये बोलेंगे यहाँ पर कि उसके ऊपर जो है मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है तो मेड इन इंडिया का अचार है यहाँ पर, ये तो इंडिया की इज्जत बेइज्जती होगी अगर यहाँ पर उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पर बेचा जा रहा है तो उसमें देश का नुकसान होता है, तो इसलिए प्रोडक्ट में पूरी जान लगा देनी चाहिए ताकि देश का नाम जो है वो बचा रहे। अपना नाम एक बार को डूबे तो समझ में आता है, पर लेकिन देश का नाम नहीं डूबना चाहिए, वरना फिर बीइंग ए सिटीजन हमारा फायदा क्या है सिटीजन होने का, अगर हम लोग अपने देश का नाम जो है वो बेसिकली एक तरीके से बचा नहीं पा रहे हैं, उसको हमारी वजह से बेसिकली बेकार होना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है चीज का, ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज या फिर कोई बिजनेस या मुद्रा बोरोवर है यहाँ पर या फिर इंडिविजुअल कोई लोन लेने वाला इंसान है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा अप टू द 20%। 100% गारंटी कवरेज है यहाँ पर एक तरीके से, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी प्रोवाइड लोन करने की यहाँ पर एनबीएफसी इनके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो लिमिटेड है ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि यहाँ पर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर में लाई गई, 2014 में स्टेब्लिश की गई, तो यहाँ पर स्टेब्लिश की गई बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, तो ये होली ओन जो कंपनी यहाँ पर ये देखते रहिए स्टेब्लिश की गई, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकॉर्पोरेट की गई कंपनी एक्ट के तहत में, स्टेब्लिश की गई डिपार्टमेंट ऑफ किसके अंदर में, तो होली ओन है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, एक कॉमन ट्रस्ट कंपनी है यहाँ पर ये, और क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये भी स्टेज में सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक कर मैंने पॉइंट जो है वो इस तरीके से क्लियर किया ताकि कोई डाउट रहे तो उसको क्लियर कर आप लोग आगे बढ़े, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रीलिम्स के अंदर भी और यहाँ पर जीएसटी पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है गवर्नेंस या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक आर्टिकल भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। अभी हुआ क्या, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है हमारे देश में ये किसके अंदर में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा अभी यहां पर एक ड्राफ्ट इशू किया गया, ड्राफ्ट मतलब जैसे आप लोग संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो ऐसा ही खांचा एक ढांचा आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें बात की जा रही है नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइस, इसका नाम रखा गया ये 2022 का ये डेटा है जिसमें फीडबैक के लिए इसको वेबसाइट पर डाला गया है और आप लोग भी जाकर 25 मार्च तक फीडबैक दे सकते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है। जैसे किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट देखे होंगे, अगर मुंह में कोई दिक्कत हो गई है, नाक कान में दिक्कत हो गई है, बॉडी में कहीं पर स्कैन वगैरह कराना है, तो ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उसकी वजह से हम लोग एक अच्छे लेवल पर इंसान का इलाज कर पाते हैं, पर लेकिन ये मेडिकल इक्विपमेंट इतने महंगे होते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट डालते हैं, कई सारे हॉस्पिटल में आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा रियलाइज किया गया कि हमारे देश में इसका ग्रोथ होना चाहिए और आने वाले टाइम में और ज्यादा यहां पर चीजें बढ़ेंगी, तो इसलिए यहां पर सनराइज सेक्टर मेडिकल डिवाइस के अंदर इसको डाला गया जिसको यहां पर मिड टेक बोला गया, मिड मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ में इसको कनेक्ट किया गया मिड टेक बोलकर, तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर एक तरीके से मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी। बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये एक सेक्टर जो है वो बूम करने वाला है, इसीलिए इसको यहाँ पर सनराइज सेक्टर बोला गया कि आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाली इंडस्ट्री है और 11 बिलियन जो कि इसका व्यापार आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के में, ये बढ़कर 50 बिलियन होने वाला है 2025 तक का। जैसे तरीके से हेल्थ आज के डेट में कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, हेल्थ आने वाले टाइम में और बड़ा इश्यू बनेगा, तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बन जाता है। पीआईबी के द्वारा काफी डिटेल में यहाँ पर ये कवर किया गया, तो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हो जाती है। एक एक कर पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। मेडिकल डिवाइस जो सेक्टर है यहाँ पर इंडिया के अंदर में ये एक इसेंशियल और इंट्रीगल है यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में, और हेल्थ केयर जो है वो याद रखिएगा कहां पर आता है, वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में हमारे संविधान के अंदर में, जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था। एग्रीकल्चर कहां पर आता है चलिए ये बताइए, पर्टिकुलरली यहाँ पर प्रिवेंट करना, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना और मैनेज करना ऑल मेडिकल कंडीशन बीमारी जो भी है डिसेबिलिटी है उसको, ये एक टारगेट यहाँ पर रहता है। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है वो एक काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर और अनरेगुलेटेड है, यानी कि उसको कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा है टिल 2017 तक, तो अभी यहाँ पर इसको रेगुलेशन के जोन में डालने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी अगर होती है तो उसका इलाज सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके। मेडिकल डिवाइस रूल 2017 जो है वो फ्रेम किए गए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर कोई पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर मेडिकल डिवाइस रूल जो है वो किसके थ्रू यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल जो ड्रग स्टैंडर्ड, यानी कि दवाइयों का जो स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए यहां पर एक एक्ट भी है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। अभी यहां पर अगर बात करें डिवाइस कैसी कैसी होती है, देख कई तरीके की डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई यहां पर इम्प्लांट हो गया, कोई यहां पर एक तरीके से कंज्यूमेबल ईएफ यहां पर डिस्पोजल हो गया, ठीक है, आईवीडी जो यहां पर रिएजेंट हो गए, ये सर्जिकल इक्विपमेंट हो गए। तो ये रटने नहीं है आप लोगों, कभी आप लोग इनको बोलो यार ये क्या क्या लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बस बताने के लिए कि अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हल्का सा आप लोगों को जानना है तो आईवीडी को जान सकते हैं, इसको बोलते हैं इन विट्रो डायग्नोसिस, ठीक है। वैसे मेडिकल की चीजें रटना नहीं है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके बारे में याद रखते हैं। हमारी कंट्री में जो मेडिकल मार्केट है यहाँ पर वो काफी सिग्निफिकेंस है, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 80% जो सेल है यहाँ पर एक तरीके से आजकल में वो हमारी कंट्री में जनरेटेड होती है फ्रॉम द इम्पोर्ट, यानी कि इम्पोर्ट मेडिकल डिवाइस लाकर फिर उनको बेचा जाता है। हम लोग अपने देश में नहीं चीजें बना पा रहे हैं। यूएसए, जर्मनी, चाइना, जापान, सिंगापुर जो है वो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टेक्नोलॉजी के, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट है, इवन हमारे देश के अंदर भी, यानी कि हमारे देश में ज्यादातर जो मेडिकल डिवाइस है वो यहां से आती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया, जिसको एपीआई बोलते हैं। एपीआई क्या होता है, अगर कोई दवाई आप लोग बनाना चाहते हैं ये उसका रॉ मटेरियल होता है। तो ये सारा का सारा मैक्सिमम लोग जो खरीद कर लेकर आते हैं वो चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं, तब जाकर हमारी कंट्री में जेनेरिक दवाई बन पाती है जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया सीधा सीधा कि हम लोग को इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए कि क्यों ना ये काम हम लोग अपने देश में करें और दूसरे के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। तो यूएसए, जर्मनी, चाइना, जापान, इनसे अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं सिंगापुर से, तो ये गलत है, अपने देश में आना चाहिए। कई सारी चीजें, वेंटिलेटर हो गया, आरटीपीसीआर किट हो गया, ठीक है, आईआर थर्मामीटर हो गया, पीपीई किट हो गया, N95 मास्क हो गया, ये मैक्सिमम वो चीजें हैं जो आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर कोई काम करने की बात करें तो देखिए कोई भी काम जो है वो अकेला इंसान नहीं कर पाता है, कोई ना कोई यहाँ पर लगेगा। जैसे मान लीजिए कल को चलकर अगर कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को हेल्पिंग हैंड लगेंगे। तो ऐसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारी मिलकर आएंगी साथ में इकट्ठा, और जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसके चलते यहां पर जो आज की डेट में एक मंत्री का काम नहीं है, अलग अलग ये बेसिकली एरिया डिवाइड हो गए। फोकस ये किया जाएगा कैसे रेगुलेट करना है, कैसे यहां पर स्किल डेवलप करनी है, इसी के साथ में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे लेकर चलना है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर ढांचागत विकास नहीं है उसको कैसे लेकर चलना है। तो ये सारे ऐसे एरिया हैं जिनको यहां पर एक तरीके चैलेंजिंग जोन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा चरमरा गया, और वो कंडीशन हम लोगों ने अभी COVID-19 के चलते अपने हेल्थ सेक्टर की देखी भी, यानी कि उसकी कमजोरियां जो है वो हमारे सामने फूट फूट कर रो रही थी कि भाई साहब मेरे ऊपर काम कर लो, वरना आगे अगर कोरोना का बड़ा भाई मोरोना आया तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। आगे बात करें ड्राफ्ट जो नेशनल पॉलिसी, ये बेसिकली एक तरीके से ग्रोथ दिखा रही है कि कमिंग ईयर्स में क्या क्या ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कई सारे फीचर इसके यहाँ पर सैलियंट फीचर जिनको आप लोग बोल सकते हैं, जैसे रेगुलेटरी किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में तो मल्टीप्लिसिटी एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे मिनिस्ट्री भी अलग अलग है, कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी ऑफ द डिवाइस, ठीक है, इसी के साथ में कॉम्पिटिटिवनेस भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि अपने आप में खेले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करना है, और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस फैलानी है कि कैसे हम लोग अपने ब्रांड को लेकर चल सकते हैं। मानिए कोई ऐसा बेसिकली चीज है, जैसे करंट अफेयर के बारे में आप लोगों को बोलूं तो आंख बंद कर आप लोग चीजों को बेसिकली विश्वास कर सकते हैं, जितनी मेहनत करंट अफेयर के पीछे की जाती है, तो करंट अफेयर आप लोगों का नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि करंट अफेयर में आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो आप लोग अपने आप कवर कर लीजिए। हालांकि बहुत सारे स्टेटिक पोर्शन में मैं कवर कराता हूं, तो ये होता है एक तरीके से ब्रांड को डेवलप करना कि हाँ ये इंसान जो है यहां से आप लोग करंट अफेयर अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी अगर आप लोग पढ़ लोगे, जो लेक्चर मैंने बना रखे हैं, इतनी गारंटी देता हूं कि पॉलिटी में से अगर 25 सवाल आ रहे हैं ना, तो 25 में से 22 से 23 सवाल आप लोगों के छूटने नहीं दूंगा। देखिए एक दो तो ऐसा हो गया, पता नहीं कहां कहां से बना देते हैं निकाल कर, पर हाँ मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, पर 99% जो है वो कवर करा देता हूं, ठीक है। 1% में तो यार देखो भगवान भी नहीं बोलता है कि हाँ सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। तो जितना मतलब आप लोग समझ सकते हैं, तो उस लेवल की मेहनत की जाती है। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं करंट अफेयर के लिए मैं हूं ना। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि आप लोग क्या हो गया कि यहां पर एक तरीके करंट अफेयर और पॉलिटी जो पढ़ा रखी है उसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं अच्छा यहां से कर हम लोग अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है कि विश्वास करना, ट्रस्ट करना। तो ट्रस्ट की वजह से इंसान जो होता है किसी प्रोडक्ट के साथ में या फिर किसी इंसान के साथ में कनेक्ट होता है। ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर कोई कनेक्टिविटी भी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है, मेक इन इंडिया को अच्छे से लेकर चलना, जो मेक इन इंडिया है उसको एक तरीके से मेक फॉर वर्ल्ड पर लेकर जाना है, यानी कि दुनिया के लिए हम लोग को बनाना है, ना कि अपने लिए बनाना है।
तो उसी के चलते 2047 तक यहाँ पर कंट्री के अंदर में अभी बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइस एजुकेशन रिसर्च जो यहाँ पर निकल कर आएगा उसके लेवल पर काम किया जाएगा। यहाँ बेसिकली पर्पज इसका यह है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर 25 हाई एंड फर्निस्ट टेक्नोलॉजी जो मिड टेक के अंदर में हम लोग काम करेंगे और मिड टेक इंडस्ट्री जो है 100 से लेकर 300 बिलियन साइज में 10-20% ग्लोबल मार्केट का शेयर हमारे देश से निकल कर आएगा, तब जिंदगी जीने में मजा है। यानी कि दूसरों के ऊपर पड़े रहने का क्या मतलब है, ये तो वही हो गया कि दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर चलते रहो, उनका बनाया गया प्रोडक्ट लाते रहो और अपना काम करते रहो, ये कोई तरीका नहीं होता है। अपना खुद का प्रोडक्ट लेकर आओ, उसको मार्केट में उतारो और उसको देखो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, दिक्कत है तो उसके ऊपर काम करो, उसको सुधारो और अच्छे लेवल पर लेकर आओ, पर लेकिन उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल पर उसको बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर इंडिया का थप्पा होगा, तो इंडिया का थप्पा होगा तो फिर इंडिया के हिसाब से वहां पर एक इमेज भी बननी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है कुछ, जी हाँ बहुत सारा काम कर रही है। जैसे गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम चला रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के लिए, तो मेडिकल डिवाइस प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे देश के अंदर में कई सारे लेवल पर। प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो इंक्रीज करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को, यानी कि देश के अंदर ही चीजें मैन्युफैक्चर आप लोगों को करनी है। इसी के साथ में मेक इन इंडिया के तहत आप लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा, जो कि यहां पर 2014 में चीजों को स्टार्ट किया गया था और 2021 में जून के महीने में क्वालिटी काउंसिल जो यहां पर है, एक तरीके से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो यहां पर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइस के द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन सर्टिफिकेशन मेडिकल डिवाइस, जो कि यहां पर प्लस स्कीम जो है यहां पर लगभग 13,485 प्लस कर्ब आप लोगों को यहां पर एक तरीके से एक क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी मेडिकल डिवाइस के बारे में बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकते हैं ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये था पूरा एक कंप्लीट आर्टिकल, आप लोगों को इसको लेकर कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बताएगा उसको दूर कर दिया जाएगा और अगर अच्छा लगा तो थम्स अप देकर जरूर जाइएगा। ठीक है, जो इससे पहले वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से उसी से मिलता जुलता यहां पर एक आर्टिकल और आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये बेसिकली एक रिपोर्ट है और यहां पर ये पीआईबी के अंदर काफी अच्छे से कवर किया गया जो कि गवर्नमेंट का सोर्स है, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है। इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, ये बेसिकली इसको बोला गया GEM, तो इंडिया रिपोर्ट ये 2021-22 आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है कि हमारे देश में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा रिसेंटली अभी बढ़ गई है, यानी कि इंडियन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी जो है वो एक्सपेंड करी है 2021 में और ये टोटल एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटी रेट है वो इंक्रीज हो गया है अभी यहां पर 2021 में 14.4% और 2020 में यहां पर 5.3%, यानी कि हमारे देश में व्यापारियों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई जा रही है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। काफी सारे इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोटल एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटी है यहां पर ये एज जो है 18 से लेकर 64 साल के बीच के जो लोग हैं वो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस अगर बात करें स्टेब्लिश में जो यहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है बिजनेस ओनरशिप यहां पर ये इंक्रीज हो रहे हैं 8.5 से लेकर बेसिकली 5.9 अगर बात करेंगे 2020 से तो इंक्रीज हो रहे हैं और फिर आगे भी चीजें बढ़ रही है। हमारी कंट्री में अभी बात करें तो अर्ली स्टेज पर है, चीजें अभी आगे बढ़ रही है, COVID-19 के चलते खस्ता हालत हो गई थी तो अभी चीजें थोड़ी समझ में आ रही है और लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है। यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छे लेवल पर हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया चीजें, पर हाँ आप लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो उसके चलते हमारी कंट्री में अगर बात करें तो काफी अच्छे से काम किया जा रहा है। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप जो मॉनिटर है यहां पर जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसका एम यह है कि जहां जहां पर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इनके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और लोगों तक प्रोवाइड कराना। तो यहां पर जब ये सर्वे कराया गया तो इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम के बारे में जाना गया, तो यहां पर ये जो है बेसिकली लेड किया जाता है इंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अहमदाबाद के अंदर, उसके द्वारा यहां पर ये इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो इसके चलते जो यहां पर EDII है, तो यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनोमस और नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो कि 1983 में सेटअप किया गया था। स्पॉन्सर कौन करते हैं यहां पर, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IDBI हो गया बैंक लिमिटेड, ठीक है, IFCI लिमिटेड हो गया, ICICI लिमिटेड हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इसको सपोर्ट करते हैं, ये इसको स्पॉन्सर करते हैं। यानी कि अगर इसके बारे में एक अवेयरनेस निकाल कर लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर कहां कहां पर पैसा जा रहा है और वो पैसा रिटर्न कितना लेकर आ रहा है वो चीजें सारी समझने वाली होती है, तो उसके बारे में अगर एक ओवरव्यू रहेगा तो चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हमारा देश जो है वो इंडिया जो है यानी कि भारत जो है वो USA और चाइना के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट करने वाला देश बन गया है और लगभग 60,000 के करीब स्टार्टअप आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे रिसेंटली अभी, जिसमें से 42 जो है वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं।
यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि 7,000 करोड़, ठीक है, तो ये काफी बड़ा आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, $1 बिलियन। तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि इनका बेसिकली आज के डेट में टर्नओवर आप लोगों को नजर आएगा 2021 में लोन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और 2000 अगर आप लोग 12 के एयरफेयर में जाओगे तो ओनली एक सिंगल यूनिकॉर्न हुआ करता था, पर फिलहाल ये बढ़कर संख्या आप लोग यहां पर देख सकते हैं, काफी लार्जेस्ट और फास्टेस्ट स्केल पर इंडिया के अंदर ये चीजें बढ़ती नजर आई है। तो ये एक काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया, यानी कि बिजनेस की एक्टिविटी हमारे देश में जो है वो काफी ज्यादा बूम पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। हर एक इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है कि बिजनेस किया जाए, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो काफी ज्यादा कम होती जा रही है, तो इसके चलते लोग जो है वो बिजनेस के पीछे ज्यादा पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते लोगों को लग रहा है कि आसानी से अगर कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर जाए तो अच्छा रहेगा, पर लेकिन कई सारी कंडीशन भी है, ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेस बन गए और उड़ गए, दुनिया भर के बिजनेस बर्बाद भी हो रहे हैं क्योंकि रिवेन्यू जो होता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, बैकएंड सपोर्ट अच्छी नहीं चल पाती है, तो ये बिजनेस करना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भी उठाएगा बिजनेस करना स्टार्ट कर देगा, पर लेकिन दिक्कत यहां पर ये रहती है कि अगर किसी का बैकग्राउंड है बिजनेस का वो तो आसानी से निकाल कर ले जाता है, कोई नया नया आया मार्केट में कि हाँ बिजनेस करेंगे और बिजनेस वो नहीं मूवी है बिजनेस करेंगे वो बेसिकली रणवीर सिंह की और अनुष्का शर्मा की, ठीक है, उन्हें उसमें बिजनेस करते हैं शादी वादी से रिलेटेड जो सारा काम चलता है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। तो काफी ह्यूज एक टफ कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके साथ में आप लोगों को फाइट करनी पड़ेगी। आज की डेट में अगर बात करें तो मोस्ट वल्नरेबल और स्मॉल बिजनेस जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये सेक्शन काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली खस्ता हालत हो गई थी COVID-19 के चलते, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा बोला गया कि यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो तीन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पॉइंट नंबर वन, तीन या चार बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं को भी बिजनेसमैन बनाया जा रहा है, और राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में कई सारे रीजन में यहां पर महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है कि अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहती है, घर में अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, यहां पर पायलट प्रोजेक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो यहां पर PMUIS को बोला गया, यहां पर 2019 में लॉन्च किया गया था, तो इसमें एक तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री कौशल केंद्रा, इसी के साथ में जन शिक्षण संस्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी किसी फील्ड में अगर आप लोग बनना चाहते हैं, इसमें एजुकेशन ट्रेनिंग एडवोकेसी और इसी के साथ में एक्सेस रहेगा जो एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क है, यानी कि एक तरीके से ऐसा ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा जहां पर बिजनेस करने का एक माहौल रहेगा। तो ये लगभग 10 राज्य इसके अंदर महाराष्ट्र और 2 यूनियन टेरिटरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड मॉनिटरिंग माइक्रो एंड मीडियम जो यहां पर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस इन 6 होली सिटीज, तो कई सारी होली सिटीज जो है उसके अंदर भी काम को करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है, यहां पर बेसिकली एक यहां पर पंडारपुर, ठीक है, दूसरा है पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, इसी के साथ में कोलोर और बोधगया, ये इंपॉर्टेंट है रिलीजियस के पॉइंट ऑफ से, तो यहां पर भी कैसे हम लोग काम कर सकते हैं उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 4, यहां पर जो भी अबव सारे मेंशन किए गए तो उनमें इंप्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, तो फीमेल वर्कर को कैसे लेकर यहां पर चलना है, तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे जैसे नेटवर्क्स ऑफ वुमेन, इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, PMKY सेंटर, उसी के साथ में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, तो ये कई सारे पॉइंट आप लोग जिनको आप लोग इंक्लूड करके चल सकते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको दूर रखकर आप लोगों को बेसिकली आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो कैसा लगा यहां तक का ये लेक्चर जरूर बताएगा, फीडबैक जरूर देते रहा करो, इससे मुझे पता चलता रहता है लेक्चर के बारे में, ठीक है। यहां पर अगर बात करें सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन हम लोगों ने देखी, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट डे और इसी के साथ में यहां पर इसकी थीम भी हम लोगों ने देखी, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट का भी आप लोगों का रिवीजन करा दिया, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया और काफी डिटेल में मैंने पूरा आर्टिकल कवर कर लिया और इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, तो कंफ्यूजन आना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली डिस्ट्रेस सेक्टर के बारे में, कैसे निकालना है, क्या होता है यहां पर बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसी के साथ में एनपीए के बारे में बता दिया, स्मॉल मेंशन अकाउंट के सॉरी स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में बात की और बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताई जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक और बिजनेस के बारे में हम लोगों ने बात की जिसको बोलते हैं यहां पर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसके बारे में जाना क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें हम लोगों ने एक एक कर डिस्कस की, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक हम लोगों ने यहां पर बात की डिवाइसेस के बारे में, मेडिकल डिवाइस के लिए यहां पर एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है, उसके बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, कहां कहां पर क्या चल रहा है, कितना बिजनेस चल रहा है और कहां पर हम लोग काम कर सकते हैं, तो कोई भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। तो सारा डिस्कशन आप लोगों के सामने है, कौन से हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर अभी हिजाब को एसेंशियल पार्ट मानने से मना कर दिया है, एमएसएमई में कितने हमारे देश में देखने को मिलेंगे लगभग, और कितने यहां पर किस पर्टिकुलर सेक्टर के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर जो है एमएसएमई है, आईबीईएफ क्या है यहां पर, जीईएम क्या है, ये बताना है।
कौन सा देश सबसे ज्यादा स्टार्टअप है हमारे देश से पहले? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा? और कब तक बोला गया कि 50 बिलियन का व्यापार हम लोग कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? कल का थोड़ा रिवीजन भी कर लीजिए, लंबे समय तक अगर चीजें याद रखनी है वरना छुमंतर हो जाएंगे दिमाग में से चीजें, ठीक है? तो छुमंतर नहीं करनी है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे की थीम आप लोगों से पूछी गई थी। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिनके द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ में इंडियन डेलीगेशन के बारे में बात की गई थी, किसके द्वारा चेयर किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक महान पर्सनैलिटी के बारे में कई सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, ठीक है? इसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी टीवी वर्कर्स के बारे में, तो कौन सी गवर्नमेंट है राज्य की इसके द्वारा स्कीम लाई गई है। वीडेम इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर डेमोक्रेसी की पूरा एक जो यहाँ पर टाइटल है वो क्या था ये बताना है। इलेक्ट्रोल जो इंडिया की जो रैंक कितनी है वो बतानी है, CLAWS क्या था वो बताना है, और किसको GI टैग सबसे पहले दिया था ये बताना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, थीम क्या यहाँ पर, फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो ये थीम थी जो कल डिटेल में डिस्कस की थी और एक छोटी सी वीडियो भी मैंने डाली थी आज आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखी हो। भूपेंद्र सिंह यादव है, सॉरी श्री भूपेंद्र यादव है जिनके द्वारा यहाँ पर रोल ऑफ लेबर इन इंडियन डेवलपमेंट ये बुक जो है इसका टाइटल जो लॉन्च की गई थी। वीवी गिरी साहब के बारे में डिस्कस की थी काफी डिटेल में, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। 1927 में यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा लीड किया गया था ये पूरा एरिया। त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री चाय श्रमिक ये कल्याण, इसी के साथ में प्रकल्प, ठीक है? तो ये आप लोगों को स्कीम देखने को मिली थी। स्वीडन का है ये वीडियन इंस्टीट्यूट और इसकी जो रिपोर्ट का टाइटल है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 और यहाँ पर बेसिकली ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ठीक है? इंडिया जो है वो इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी में है और 93 रैंक है यहाँ पर। ये सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आती है। दार्जिलिंग की टी सबसे पहले एक ऐसी प्रोडक्ट था जिसको हम लोगों ने GI टैग का दर्जा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, फीडबैक देकर जरूर जाएगा और यहां से PDF डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।